फहाश मूवी देखने वालों के दिमाग में क्या तब्दीली आती है? साइंसदानों ने इतना ही खतरनाक वार्निंग दे दी, लेकिन ये फिल्में देखने वाले शायद ये नहीं जानते कि ये फिल्में उनके दिमाग में कितना नुकसान पहुंचाती हैं। मगर माहिरीन के मुताबिक इंसान के जहनी और जिस्मानी इंतहाई मुतर असरात मरतब करती है। मेल ऑनलाइन के मुताबिक कैनेडा के रावेल यूनिवर्सिटी के PhD के तालिब इल्म रिचल एल नामी तालिब इल्म की क्यादत में इस मामले पर तहकीक की है, जिसके नतज में इन्होंने बताया कि ये फहाश फिल्मों की लत दिमाग के प्री फ्रंटल कोर्टेक्स नामी हिस्से को तबाह करके रख देती है। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो नौजवानी को पहुँच कर नशो नुमा पैदा करता है। चुनाचा नौजवानी में पहुँचने से पहले अगर फहाश फिल्मों की लत लग जाए तो नशो नुमा इस हिस्से को नहीं मिल पाती। ये हिस्सा चूँकि मौत कुव्वत इरादी नब्ज को कंट्रोल करता है और वो एक यकसर मुख्तलिफ शख्स बनकर रह जाता है और इसकी तमाम जहनी सलाहतें ख़त्म होकर रह जाती हैं। रिचल एनबर का कहना था कि फहाश फिल्में देखने से दिमाग में डोमेन नामी केमिकल का अखराज बहुत पैदा हो जाता है, जो इंसान को सुकून पहुँचाने वाले केमिकल है। जब दिमाग में इनकी मकदार ज़्यादा हो जाए तो दिमाग इस मजीद मकदार को तलब करता है और ये तलब बढ़ती चली जाती है। चुनाचा उसका अंजाम ये होता है कि वो इंसान डिप्रेशन नामी बीमारी का मरीज बन जाता है। उनका कहना था कि अगर आप फहाश फिल्में देखने से गुरेज करेंगे तो आप डिप्रेशन जैसे मर्ज से बच जाएंगे और आप सेहतियाब हो जाएंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ तक थी। मैंने आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दी फहाश मूवी देखने के रिलेटेड। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।